आज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये ना मेरी अब तक की ना बहुत अलग वाली वीडियो है। जाने की खुशी नहीं भाई, एयर जा रहे हैं लाइफ में। लाइफ में पहली बार जो कभी कल्पना भी नहीं किया था, तो हस्बैंड ने यही वाला सरप्राइज प्लान, सरप्राइज नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा ये था कि ट्रेन से जा रहे हैं, ये तो पता था, बट ये नहीं पता था कि हम हवाई जहाज से जा रहे हैं, पहली बार हवाई जहाज में बैठूंगी। ओ मेरी इतनी ज्यादा घबराहट, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट। लाइफ में सपनों में जहाज देखा करती थी, और ये कहीं ना इसके हकदार आप सब भी है, क्योंकि आप सब ने भी मुझे मोटिवेट किया, मुझे इस तरह से प्यार दिया कि शायद मैं ये कर पाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। कभी मैं अरे भाई एयर जा रहे हैं और लाइफ में मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं बचपन से सोचा करती थी कि जहाज कैसे होते हैं, हवाई जहाज कैसे होते हैं, और पहली बार मैं देखूंगी। और मैं यहाँ से बनारस से अहमदाबाद तक की हमारी जो है वो फ्लाइट है, और हम सब जा रहे हैं, मेरी बहनें भी जा रही हैं। मेरी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट है, पहला वहां जाने वाले हैं, हम किसी काम से जाने वाले हैं, किसी खास से मिलने जाने वाले हैं, और मैं अपनी खुशी ना आप सबसे मतलब बताए बिना रह ही नहीं पाई। आप सब भी सोचेंगे कि ये क्या छोटी छोटी बातें बताती रहती है, लेकिन ये मेरे लिए ना लाइफ की बहुत, जो औरत जो लड़की तब सबके लिए की ना इसी वीडियो से पता चलने लगा, किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं। जब मेरे सारे मेरे मायके वाले लोग हैं या फिर कोई जो मुझे जानते हैं देखेंगे तो एकदम शौक रह जाएंगे। सर शांति भाई एयर जा रही है, प्लेन पे बैठने वाली है, ये बहुत 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 बड़ी शॉकिंग। तो यहाँ पे हो रही है अभी एयरपोर्ट जाने की तैयारी, और आज कुछ ऐसा हुआ ना, वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि आखिर में हुआ क्या है, क्यों मतलब हस्बैंड मुझे यहाँ पे अकेले ऐसे छोड़ के गए हैं, वो सारी बातें बताऊंगी। तो अभी जो मेरी छोटी है वो मेरे बालों में लगा रही है हेयर मास्क, क्योंकि हम हो रहे हैं तैयार, और तैयार होके बस कुछ सेकंड में मैं आप सबसे मिलती हूँ, और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो, मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। तो बस सुबह के बज रहे हैं 4:30, सब लोग जग गए हैं, हालांकि हमारी फ्लाइट जो है वो 2 बजे की है, हमें जाना है एयरपोर्ट 12 बजे, लेकिन 4 बजे ही जग गए हैं। अभी मैंने अपना बाल उल धुल लिया है और मैं तैयार भी हो रही हूँ। ये वाली ड्रेस आपने देखी होगी, मीशो से मैंने ऑर्डर की थी, यही पहन के जाने वाली हूँ, और कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ, आज स्पीचलेस हो गई हूँ मैं। मेरी बहन बोल रही है जब नेकू कह पाओ तो चुप हो जा। चाय गरम, 4 कप चाय गरम, तो हम पीने वाले हैं चाय, और चाय बनाया है स्पेशल। आ तनी सदे देख लीजिए, थोड़ा सा चाय मिला है मेरे को, ये चपको चपको चाय। तो ये चाय मैंने बनाया है मेड बाय गांव की शांति, और बस पीते हैं चाय। और कितना अच्छा लगता है ना अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बहनों के साथ थोड़ा सा जब हम टाइम बिताते हैं, तो छोटा सा ही रूम है, इसी में सब लोग एकदम बहुत 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 खुशी से रहते हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत साथ में झगड़ते हैं। आप सब भी अपना अनुभव जरूर साझा करिएगा अपने भाई बहन के साथ, और बस खुशी खुशी ऐसे ही रहिए। आप सब भी खुश रहिए, मैं भी खुश रहूँ, पूरा संसार खुश रहे। जब सब खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो चाय ठंडी हो जाएगी, तो आइए आप भी पी लीजिए बनारस की चाय, और बनारस की सुबह बहुत सुकून वाली होती है। और पता नहीं कि मैं जब भी बनारस आती हूँ ना, मतलब इतना अच्छा फील होता है यहाँ पे। तो देखिए जाने से पहले यहाँ पे ये मेरी छोटी बहन है, ये जो दूसरी वाली को देख लीजिए, ये तैयार है अपना जूता पहन के, और रम्या को, और रम्या की मौसी पहना रही है जूता, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग जब तक निकल ना जाए तब तक होता ही रहता है, तो ये पहन के तैयार हो गई हैं रम्या का। रम्या इधर देखो बेटा, इधर देखो, नहीं देख सकती, oh my God, क्या बात है भाई, क्या बोलते, क्या चीज, दर्शन ले फेस पाउडर, कुछ नहीं मिलेगा, गांव की शांति को फेस पाउडर ही नहीं मिल रहा है, क्या बात है।
हम ये लगा ले। कोई बात नहीं, आप बिना पाउडर लगाए चलिए, आपको जरूरत नहीं है। जरूरत इन दोनों को। थैंक यू मेरी डॉक्टर आइन बहन। चाहती थी शीशा नहीं मिला, शीशा मिल गया। फेस पाउडर दे दीजिए गोलू दी। ए लिपस्टिक कौन कलर कर लगाई रे? पीच कलर। दादा फेस पाउडर लगाते हुए गांव की शांति दिख रही है। हिम्मत निकल, जहाज पे चढ़े के बाद कुछ तो होगी कि चाहिए ना। लगाओ लगाओ एकदम गर्दन वर्दन को लगा लो। सुंदर ठुसा मिल बा एक से एक कहीं में। तो नहीं कभी से ना कि डब्बा मत ले, बस हमको बंद कर, बंद कर हो नहीं। हम हो गए हैं एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार और बस अब निकलने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सबका, कहीं ना कहीं इस जर्नी में आप सभी मेरे साथ हैं। और बस अब मिलते हैं सीधे हम लोग गुजरात में, गुजरात में नहीं एयरपोर्ट पे मिलते हैं। और बस मिलते हैं, मैं क्या कहूँ क्या कहूँ। और अभी हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट। और आप सब भी जानना चाहते होंगे कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्यों नहीं गए, यहाँ छोड़ के वो मुझे क्यों गए। रीज़न यही था, कई दिनों से वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि मैं तुम्हें ट्रेन से भेजूंगा ट्रेन से, क्योंकि मेरे को गुजरात में कुछ ज़रूरी काम है। आगे आपको वो वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ट्रेन से जाओ ट्रेन से तुम चलो। लेकिन अचानक से ये देखिए, पहले तो हम आ गए हैं, ये है हमारा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, जहाँ हम पहुँच चुके हैं। और ये मैं निकली। हाँ तो मैं बता रही थी वो क्यों नहीं गए, क्योंकि गेहूँ में ना पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो हमारे साल भर का अन्न है, अनाज है, जिससे हमारे घर का हमारा पेट भरता है। साथ में हम हज़ारों लोगों का, हम किसान पेट भरते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था। मेरा काम भी ज़रूरी था, सो मैं और मेरी बहनें जो हैं वो जा रहे हैं साथ में, मेरी बेटी भी जा रही है साथ में। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पर मेरे को छोड़ के चले गए। मैं बहुत 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 ज्यादा हमारा मन था, सबका मन था जाने का। आ तो गए हैं ये लाल बहादुर साहब भी आ गए हैं। और ये देखिए हमारी क्यूट सी अरम्या। और मैं पहली बार आई हूँ, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में एयरपोर्ट देखा है, मतलब उस गांव से निकल के एयरपोर्ट। तो समझ सकते हैं, शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकती जो अभी मैं फील कर रही हूँ। तो बस अभी एंट्री कर रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट में, और फिर दिखाऊंगी मैं सब कुछ आपको हमारा बनारस का एयरपोर्ट कैसा है। तुम होके आ जाओ इस बार, हम अगली बार जो है तुम्हारे साथ मैं चलूंगा और हम जल्दी ही कहीं और जाएंगे। तो ये देखिए बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है एयरपोर्ट। ये मेरे लिए पहली बार ही था कि मैं एयरपोर्ट देखी, और यहाँ आते ही एक ऐसा सा मुझे कोई ट्रॉली बैग ले जाने के लिए मिला। तो बस यहाँ पे हम जो है अपना आईडी वगैरह दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करते जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को जैसे दिक्कत तो उतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरे लिए पहली बार था तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लगा। तो इस यहाँ पे हमारा बोर्डिंग पास जो है वो बन रहा है, तो अगर आप भी आ रहे हो ना, तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा थोड़ा शेयर कर दूँगी, ऐसे ऐसे करके मेरी जर्नी कैसी रही, अपनी जर्नी में शेयर कर रही हूँ एयरपोर्ट की। और यहाँ पर हमारा वेट जो सामान का है वो किया जा रहा है कि मतलब कुछ हो रहा था यहाँ पे, जितना समझ में आया उतना मैं आप सबको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ ये है वेटिंग रूम, क्योंकि यहीं पे हमें बोला गया कि यहाँ से हमारी फ़्लाइट जो है वो थोड़ा 1.5 घंटे बाद आएगी। हम थोड़ा सा जल्दी पहले पहुँच गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बैठ के वेट कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग जो थे सब अपनी अपनी फ़्लाइट का जो है वो वेट कर रहे थे, और मैं बैठ के यहाँ पर आप सबके कमेंट का जो है वो रिप्लाई कर रही थी। तो बहन ने जो है वो वीडियो शूट कर लिया। आगे से आपको अहमदाबाद की बहुत अच्छी अच्छी जगह, बहुत सारी गुजरात को, मैं पूरा गुजरात आप सबको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। और ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छे मोमेंट में से एक मोमेंट है जो मैं अभी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब गांव की शांति, वही आपकी प्यारी सी शांति ही। और मैं आज यकीन नहीं हो रहा है। और तो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग, एक अलग अपने हवाई सफ़र में, एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो के साथ।